एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अकाउंट। हमने आपको याद होगा सेल्स अकाउंट लास्ट अकाउंट बनाया था, लेजर ऑफ सीआरएम एंड सम्स, सेल अकाउंट बना लिया था। नेक्स्ट अकाउंट आप लोग मेरे को बताएंगे कि नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा। इसके अंदर चेक कीजिए, जनरल भी ट्रांजेक्शन है, उसमें सेल्स के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा आई थिंक हीरो लिमिटेड। तो हमने बनाना है हीरो लिमिटेड का अकाउंट, तो आपने ऊपर लिखना है हीरो लिमिटेड अकाउंट। हीरो लिमिटेड अकाउंट में देखिए क्या आएगा, 18 को आ जाएगा सेल्स की, हीरो लिमिटेड की तो आ जाएगा 2 सेल्स। अमाउंट कितना था हीरो लिमिटेड को, 27,000। नेक्स्ट देखिए हीरो लिमिटेड और कहाँ पे है, कैश रिसीव हुआ है हीरो लिमिटेड से तो आ जाएगा 22 को बाय कैश। कितना कैश रिसीव हुआ हीरो लिमिटेड से, 8850 और बाय कैश है और बाय जो डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड। अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आ रही तो आप साथ के साथ मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड में आएगा 150 हीरो लिमिटेड और देखिए कहाँ पे कहीं नहीं, तो इसको वाइंड अप कीजिए। पहले निकालिए टोटल, फिर निकालो बैलेंस। टोटल आई थिंक 27,000 ज़्यादा है, उसको दोनों तरफ लिख लो। 27,000 यहाँ पे आ जाएगा 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सी डी आएगा। 27,000 में से आपने माइनस करना है 9,000, तो आ जाएगा आपके पास 18,000 का बैलेंस। ओके, नेक्स्ट अकाउंट भी हम बिना देरी किए नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट बनेगा आई थिंक ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैश है परचेज है, हमने दोनों के अकाउंट्स बना लिए। हमने बनाना है ड्राइंग्स अकाउंट में आएगा 30 को 2 कैश आ जाएगी, 2 कैश और अमाउंट है 10,000 का और आएगा 2 परचेजेस और अमाउंट आएगा 4,000 का। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं ड्राइंग्स और मेरे को लगता है नहीं कि कई बार हमने दिखाई है, तो हम इसको करेंगे अकाउंट को वाइंड अप। 14,000 टोटल और हम इसको दिखाएंगे फिर यहाँ पे 30th को लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन है 14,000, तो आगे लेके आएंगे क्लोज डाउन हो जाएगा। तो दो अकाउंट हमने बनाए हीरो लिमिटेड ड्राइंग्स अकाउंट। अब हमारा एक और अकाउंट आपके साथ बना लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव तो बना लिया था, डिस्काउंट अलाउड रह गया उसका एक ही कॉलम का काम है इसलिए हम यहीं पे बना रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा 22 तारीख को डिस्काउंट अलाउड हुई थी, तो 2 आ जाएगा हीरो लिमिटेड से, हीरो लिमिटेड को अलाउ की थी डिस्काउंट अलाउड 150, तो इसका टोटल भी करेंगे 150 आएगा, बैलेंस करेंगे तो वो भी आ जाएगा 150। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो आ जाएगा 30th अप्रैल को। ओके, तो ये बन गया हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब 3 अकाउंट हमने इसमें बना लिए, हीरो लिमिटेड का अकाउंट बनाया, ड्राइंग्स का अकाउंट बनाया और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया। अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने वाला है, इसमें जस्ट 3 अकाउंट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपने क्या करना है, अब तक जितने अकाउंट्स बनाए हैं वो सब अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से मेंटेन करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू।